क्या ये चाइना को एक लॉन्ग टर्म मैसेज दिया जा रहा है? निशांत बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी ऑन योर चैनल। देखो निशांत, अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, डिप्लोमेसी, मिलिट्री कमांडर स्टॉक्स, ये एक साइड नहीं, अपनी तैयारी और बिल्कुल पुष्टि करना, स्पेशली क्योंकि विंटर का महीना आने वाला, ये बिल्कुल अहम नेसेसरी है और इसके लिए हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं और इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, और जो डेमोन्स्ट्रेशन का इम्पैक्ट होता है वो टॉक्स पे भी इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज हमको जरूर याद रखनी चाहिए, ये शॉर्ट टर्म मेजर है, लॉन्ग टर्म। देखिए, चाइना भी जानता है कि भारत एक शक्तिशाली देश है और बहुत बढ़ के उभर के आ रहा है। We have become the fifth largest economy in the world. ठीक है, वो second largest economy है, but we are going towards the third largest economy. वो भी note करते हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है और शक्तिशाली होगा। इसलिए Chinese इस चीज को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो demonstration of our armed forces and their capability was necessary, important, और ये जिसको कहते हैं ये in tandem actions हैं। यील्ड करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आई डोंट थिंक वी शुड आल्सो गो इनटू दैट। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर हाईली प्रोफेशनल, वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेरी कैपेबल, एंड सो देयरफॉर वी मस्ट बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज, एंड दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड इट इवन इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन व्हिच दे आर अंडरटेकिंग। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।